हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी ऑटो मोबाइल पर। तो फाइनली हमारे गोड्डा में भी ये जो बाइक है टीवीएस राइडर 125 ये लॉन्च हो चुकी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस बाइक को आप लोन किस्त ईएमआई पे कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आप लोग इस बाइक को लोन पर कैसे ले सकते हैं एंड क्या कुछ आप लोगों को मंथली ईएमआई आएगा, क्या कुछ आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगने वाला, ये सारा चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग लोन प्रोसेस को वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं इस बाइक को अगर आप लोग लोन पे लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। मैं अजीत चौधरी टीवीएस क्रेडिट की ओर से टेरिटरी मैनेजर हूँ। सर सबसे पहले आप ये बता दीजिए इस बाइक को अगर कोई लोन पे लेना चाहता है तो उसके डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सबसे पहले बता दूँ कि ये टीवीएस रेडर 125 जी बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है और अपने सेगमेंट में इसका कहीं कोई बराबरी नहीं है जी जी। और टीवीएस क्रेडिट जो कि इन हाउस कंपनी है फिनांस की, टू व्हीलर फिनांस की कंपनी, इसने ज़बरदस्त अट्रैक्टिव फिनांस स्कीम लॉन्च की है इस गाड़ी को प्रमोट करने के लिए जी जी। अभी अपने पास केवल 15% डाउन पेमेंट, 15% डाउन पेमेंट में हम लोग इसको फिनांस करेंगे। सिर्फ 15%। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का जो भी ऑन रोड प्राइस होगा उसका 15% में आप लोगों को ये बाइक डाउन पेमेंट देखने को मिल जाएगी इसकी, सिर्फ और सिर्फ 15% जी। और सर और भी हमारे पास स्कीम्स है जैसे कि ये आपको 1.5 साल से लेकर के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक का टेन्योर का स्कीम मिलेगा। और चूंकि 4 साल तक का स्कीम है तो इसके वजह से आपको काफ़ी छोटा स्कीम मिले, जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो काफ़ी छोटी आएगी ठीक है। रहा बात हमारे पास दूसरी तरह की स्कीम है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जी, बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर के साथ ये स्कीम उपलब्ध है इस गाड़ी पे। कितने की होगी सर? वो है 2.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ 2.99, केवल 2.99। उसके बाद हमारे पास 3.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है। अलग अलग टेन्योर पे ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी। और हम लोगों ने जो स्टूडेंट है जो कि जिनकी चाहत होती है स्पोर्टी बाइक्स की, तो उसके लिए भी हमने एक ज़बरदस्त स्कीम लॉन्च किया है और उन्हें काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग फिनांस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? जैसे बहुत ही सिंपल KYC, जो आधार कार्ड वोटर कार्ड होता है वो, बैंकिंग और स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड होना चाहिए और सिंपल। और सर इसकी अगर मान लीजिए कोई इसकी 20% कोई डाउन पेमेंट देता है तो उसकी मंथली ईएमआई क्या आएगी? 1 साल देखिए वो डिपेंड करेगा टेन्योर के ऊपर कि वो कौन सा टेन्योर लेना चाह रहे हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, उसी के हिसाब से वो पर ईयर का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो हमारे यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया 15% डाउन पेमेंट पे हम लोग मिनिमम जो है लेकर के इसको फिनांस कर सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट जो है इसकी 15% में हो जाएगी। और सर जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए क्या कुछ होता है इसका प्रोसेस? गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके पास जो डाउन पेमेंट का तो खैर कोई इश्यू नहीं रहता है ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग वो मिनिमम जो है वो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जी जी ठीक है। ठीक है सर, तो बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करते हैं कि ये जो बाइक है नई जो लॉन्च की है ये ज़बरदस्त धमाल करने वाली है इस सीज़न में जी सर। जी धन्यवाद जी सर, थैंक यू। तो आप लोगों ने जाना इस बाइक का डाउन पेमेंट से रिलेटेड कि ये जो बाइक है आप लोगों को मिनिमम 15% तक की डाउन पेमेंट में देखने को मिल जाएगी एंड इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है जो कि है 2.99 एंड इसकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल सकती है एंड डॉक्यूमेंट वगैरह को भी आप लोगों ने जान लिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये फाइनेंस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह बाइक से रिलेटेड वीडियोस की इन्फॉर्मेशन को हमारे इस यूट्यूब चैनल में देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।